नमस्कार, साथिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ देश के गैर बीजेपी शासित राज्यों को पत्र लिखकर एकजुट होने की बात कही है। उन्होंने देश के 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, जिसमें बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी भी सरकार में है। बता दें, इससे पहले केरल की विधानसभा ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ज्यादातर मौकों पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ ही हिंदुस्तान की तुलना करते रहते हैं। हमारा देश एक समृद्ध संस्कृति और विरासत वाला एक बड़ा देश है, तुलना करके वो पाकिस्तान का ही गौरव बढ़ाते रहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के राजदूत नहीं है जो हमेशा पाकिस्तान को ही हर मुद्दे पर याद करते रहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर बांटी गई किताब पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। किताब में दावा किया गया है कि सावरकर के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के साथ अवैध संबंध थे। बीजेपी के सवाल उठाने के बाद अब शिवसेना ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे सावरकर का अपमान करार दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि सावरकर महान थे और महान रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नागरिकता संशोधन एक्ट के पक्ष में राजस्थान के जोधपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है और ना ही इसको हम वापस लेंगे। शाह ने कहा कि सारी पार्टियां एक हो जाएं, लेकिन बीजेपी इस कानून पर एक इंच पीछे नहीं हटेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी पर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने कहा है कि इसके कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर समेत जो फैसले किए हैं उसके कारण हम अलग थलग पड़ गए हैं और वो हम विदेशी मीडिया में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब केरल की झांकी को भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। केरल ने अपनी झांकी के लिए थेयम और कलामंडलम के पारंपरिक कला का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की सिलेक्शन कमेटी ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद केरल सरकार के संस्कृति मंत्री ए.के. बालन ने इसके लिए केंद्र सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिसंबर से लेकर अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद कोटा के जे.के. लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में हैं। बुधवार को 3 और गुरुवार को एक और बच्चे की मौत के बाद मरने वाले बच्चों की संख्या 104 तक पहुंच गई है। वहीं आज इस मामले में एक उच्च स्तरीय टीम कोटा स्थित जे.के. लोन सरकारी अस्पताल पहुंची। बता दें, बच्चों की मौत पर राजस्थान सरकार चौतरफा घिर चुकी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने तो गहलोत की बर्खास्तगी तक की मांग की। तमिलनाडु में जारी निकाय चुनाव में वोटिंग की गिनती की प्रक्रिया जारी है, जिसमें डीएमके जीतती हुई नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार जिला पंचायत में 515 वार्ड सदस्य पदों में से 266 पर डीएमके बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एआईएडीएमके 240 पर तो अन्य दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा पंचायत संघ के सदस्य पद के लिए 5067 सीटों में से डीएमके 2330 और एआईएडीएमके 6165 व अन्य 536 पर बढ़त बनाए हुए हैं। इराक में अमेरिका द्वारा मिसाइल हमले में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर की मौत होने की खबर आई है। इराक के हशेद अल शाबी पैरामिलिट्री फोर्स ने इस खबर की पुष्टि की है। बता दें, पहले से ही अमेरिका और ईरान में तनाव चल रहा है। ऐसे में अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी की मौत से यह तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। बता दें, इसी हफ्ते इराक में लोगों की भीड़ ने इराक स्थित यूएस दूतावास पर हमला किया था। वहीं ईरान ने भी बदला लेने की बात कही है। कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम नेता ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल गनी को कुछ फोर्स का अगला मुखिया नियुक्त किया गया है। ईरान की मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। देश की सरकारी मीडिया की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने कहा कि सुलेमानी की मौत से सेना की योजनाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने कहा है कि अपने जनरल के मारे जाने का वह अमेरिका को उचित जवाब देगा। अमेरिका द्वारा इराक की राजधानी बगदाद में मिसाइल हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल और सोने चांदी की कीमत में उछाल आया है। कच्चे तेल की कीमत में करीब $3 प्रति बैरल का उछाल आया है।
इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग में सोने की कीमत में 1.10% की तेजी आई है और यह 39,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बता दें भारत तेल का बहुत बड़ा आयातक है और यह अपने कुल आयात का 80% आयात ओपेक देशों से करता है, जिसका ईरान भी एक सदस्य है। इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी स्ट्राइक से दुनिया भर के शेयर बाजारों में हलचल मच गई है। यही वजह है कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 162.03 अंक लुढ़ककर 41,464.61 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 55.55 अंकों की गिरावट के साथ 12,226.65 के स्तर पर बंद हुआ। अब तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।